सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का एक अत्यंत प्रसिद्ध उपन्यास है शेखर एक जीवनी। तो आज हम इसके वस्तु और शिल्प का अध्ययन करेंगे। वस्तु से तात्पर्य विषय वस्तु और शिल्प से तात्पर्य लिखने की शैली अथवा टेक्निक। तो आइए देखते हैं शेखर एक जीवनी, जो कि अज्ञेय जी की अत्यंत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक औपन्यासिक कृति है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी की बहुचर्चित औपन्यासिक कृति है, जिसके दो भाग प्रकाशित हुए हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन सन 1941 ईस्वी में और द्वितीय भाग का प्रकाशन सन 1944 ईस्वी में हुआ। यह अज्ञेय जी की एक ऐसी औपन्यासिक रचना है जिसे यदि हम जीवनी प्रधान मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहें तो अधिक उचित होगा। मतलब ऐसा प्रतीत होता है इसको पढ़कर जैसे अज्ञेय जी ने किसी की जीवनी लिखी है, और को किस रूप में लिखा है, मनोविश्लेषण शास्त्र के अंतर्गत उसे लिखा है। इस पर मनोविज्ञान का बहुत ज्यादा प्रभाव है। फ्रायड, एडलर और युंग के जो मनोविश्लेषण शास्त्र हैं, उसका इस पर गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। स्वयं अज्ञेय के अनुसार शेखर एक जीवनी एक अधूरी जीवनी है, मतलब यह कंप्लीट जीवनी नहीं है शेखर की, जो घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयास है। शेखर नाम का एक युवक है जो क्रांतिकारी युवक है और उसे अगले दिन फांसी दी जाने वाली है। तो वह पहली रात को, आज जैसे कल सुबह फांसी देना है दी जानी है उसे, तो आज की रात वह अपने पूरे जीवन पर दृष्टिपात करता है, देखता है, अपने जीवन के बारे में सोचता है कि क्या क्या घटनाएं उसकी जिंदगी में हुई। तो एक रात में उसने पूरे जीवन को देख लिया। तो इसी को शब्द के रूप में ढालने का प्रयास किया है अज्ञेय जी ने। इस उपन्यास का तीसरा भाग भी अज्ञेय जी ने लिखा था, पर वे उसमें कुछ संशोधन करना चाहते थे जो न कर सके, परिणामतः वह छप न सका। क्या शेखर एक जीवनी अज्ञेय की अपनी जीवनी है, इस विषय में अज्ञेय कहते हैं अज्ञेय जी का जीवन भी कुछ इसी प्रकार का रहा है। तो अज्ञेय जी इसका तीसरा भाग भी लिखना चाहते थे, उसमें उन्होंने कुछ संशोधन भी करना चाह रहे थे लिखने के बाद, लेकिन वे नहीं कर सके, परिणामतः वह छप नहीं सका। कुछ लोग पूछते हैं अज्ञेय जी से, कुछ लोगों ने पूछा कि क्या यह आपकी जीवनी है, तब अज्ञेय जी ने जवाब दिया था, फिर कहता हूं कि आत्म घटित ही आत्मानुभूत नहीं होता, पर घटित भी आत्मानुभूत हो सकता है, तथापि मेरी अनुभूति और मेरी वेदना शेखर को अभिसिंचित कर रही है। मतलब अज्ञेय जी का कहना है कि केवल हमारे जीवन में जो घटनाएं घटी है उसे ही कोई लेखक या कवि लिखे है जरूरी नहीं है, वह दूसरों के जीवन में घटित घटनाओं को, दूसरों के जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उसको लेकर भी, दूसरों के जीवन में जो घटने वाली घटनाएं हैं उनको लेकर भी वह कोई उपन्यास या कविता या कहानी लिख सकता है। इसके बावजूद भी शेखर में इनके जीवन का, मतलब इनके जीवन में जो घटनाएं घटी थी वह शेखर के जीवन में भी प्रायः परिलक्षित होती है, और अज्ञेय जी के जीवन की जो वेदना है, जो दुख है, पीड़ा है, वह शेखर एक जीवनी में भी अभिव्यक्त हुई है, यह उनका मानना है। भूमिका में ही अज्ञेय यह भी स्वीकार करते हैं कि शेखर में मेरापन कुछ अधिक है। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। तो उनका यह कहना भी है कि यद्यपि शेखर में मेरापन कुछ अधिक है, मतलब मेरे जीवन में जो घटनाएं घटित हुई है वह शेखर के जीवन से मेल खाती है, लेकिन इसके बावजूद भी शेखर एक जीवनी शेखर के जीवन का निजी दस्तावेज है, यद्यपि उसमें मेरे समय में जो संघर्ष चल रहा था, स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, मन में जो अंतर्द्वंद चल रहे थे, उसका भी यहाँ पर प्रतिबिंबन हुआ है। तो इस ऊपर जो आज का जो मेरा एपिसोड है, इसमें मैं आपको पूरी घटनाओं को बताऊंगा, इसकी कहानी बताऊंगा संक्षेप में कि शेखर एक जीवनी की कहानी क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उसका वस्तु क्या है, उसका शिल्प क्या है, शैली क्या है, और क्यों इसे मनोवैज्ञानिक उपन्यास माना जाता है, और किन किन टेक्निक का, किन किन शैली प्रतीकों और बिंबों का इन्होंने प्रयोग यहाँ पर किया है। शेखर इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है, मतलब वह इसका मुख्य अभिनेता है, केंद्रीय पात्र है। मृत्यु से पूर्व अपने अंतरंग क्षणों में पीछे हुए जीवन से साक्षात्कार करता हुआ शेखर स्मृतियों में डूबता उतरा था, अपनी लंबी जीवन यात्रा का मानसिक साक्षात्कार इस उपन्यास की घटनाओं के रूप में कर रहा है। शेखर को अगली सुबह फांसी दी जाने वाली है, तो वह अपने पूरे जीवन को याद करता है कि कौन कौन सी घटनाएं उसके जीवन में हुई, और वह बेतरतीब ढंग से उनको याद करता है, कोई व्यवस्थित क्रम नहीं है, मतलब उसके लंबे जीवन में जो भी घटनाएं हुई है उसको वह याद करता है। वह अपने जीवन का दृष्टा बन गया है और अब विगत जीवन की सारी स्मृतियां उसके स्मृति पटल पर घूमती हैं, और तब बनता है उपन्यास शेखर एक जीवनी। जब वो अपने पूरे जीवन पर दृष्टिपात करता है, पूरे जीवन की घटनाक्रम को याद करता है, तो उन्हीं घटनाओं को संजोकर लेखक ने जो यह उपन्यास लिखा है, तो वह क्या बन जाता है, शेखर एक जीवनी। और इसमें हम पढ़ेंगे शेखर के जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हुई और उसके
उसकी भावनाएं किस प्रकार उनसे आंदोलित हुई। यह जो उपन्यास है यह दो भागों में विभक्त है। इनमें से प्रथम भाग का नामकरण किया है अज्ञेय जी ने उत्थान, एवं द्वितीय भाग का उन्होंने नामकरण किया है संघर्ष। प्रथम भाग को उन्होंने पुनः चार खंडों में विभाजित किया है, उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष तथा पुरुष और परिस्थिति। कई परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है। इसी प्रकार द्वितीय भाग को भी उन्होंने चार भागों में विभाजित किया है, जिनके नाम है पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर तथा धागे, रस्सियां, गुंजर। शेखर एक क्रांतिकारी युवक है जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है। फांसी से पूर्व जीवन की अंतिम रात में वह अपने विगत जीवन को याद करता हुआ उन घटनाओं का कल्पना में साक्षात्कार कर रहा है जो पहले घटित हो चुकी है। जैसे ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तब उसे अपने जीवन की सारी घटनाएं एक एक करके याद आती है। ठीक उसी प्रकार शेखर को भी अगली सुबह फांसी दी जाने वाली है, इसलिए उसके पूरे जीवन में जो जो घटनाएं अभी तक घटित हुई है उनको वह याद कर रहा है। लेकिन यह सभी विश्रृंखल है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, कोई क्रम में नहीं है। शेखर विद्रोही स्वभाव का युवक रहा है, क्रांतिकारी युवक है, विद्रोही स्वभाव का युवक रहा है। बचपन से ही उसे जिज्ञासा वृत्ति उद्वेलित करती रही है, मतलब बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। बचपन से सभी चीजों को जानना समझना चाहता है, प्रश्न पूछता है अपने माता पिता से। अपनी माँ से वह यह जानना चाहता है कि पेट से बच्चे किस प्रकार पैदा होते हैं। ऐसे प्रश्नों पर वह मार खाता है और विद्रोही बन जाता है। माता पिता एवं शिक्षक उसकी रुचि पर ध्यान नहीं देते और अपने अनुकूल चलने के लिए बाध्य करते हैं। जैसे बच्चों में स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा होती है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारा पारंपरिक समाज है, यह माता पिता को अथवा शिक्षक को यह उत्तर देने नहीं देता। खासकर उस समय 1940-41 के समय की बात है, आजादी के पहले की। तो उस समय हमारा समाज बहुत ज्यादा रूढ़िवादी समाज था, विज्ञान का इतना प्रचार प्रसार नहीं था। तो उस समय माता पिता यह नहीं बताना चाहते थे कि यह बायोलॉजिकल प्रक्रिया है ना, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। बच्चा जो पैदा होता है वह जीव विज्ञान से संबंधित मामला है। तो ऐसे प्रश्नों का जब उसे समुचित उत्तर नहीं मिल पाता तो वह मार खाता है, वह नाराजगी जाहिर करता है अपने माता पिता के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति, और इस प्रकार वह स्वभाव से विद्रोही बन जाता है और वह अपने मन का करने लगता है। शेखर का बचपन लखनऊ और कश्मीर में बीता है। एक मद्रासी लड़की शारदा के संपर्क में आकर उसे काम भावना का अनुभव होता है। नौकरानी अत्ती के प्रति भी वह इसी भाव का अनुभव करता है। निश्चित रूप से जब कोई किशोर किशोरावस्था में जाता है तो उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसके संपर्क में जो भी लड़कियां आती हैं उसके प्रति वह काम भावना का वासना का अनुभव करता है। ठीक इसी प्रकार जब उसके संपर्क में एक मद्रासी लड़की आती है शारदा, तो उसके प्रति भी उसके मन में सेक्सुअल डिजायर होता है, काम भावना पैदा होता है। उसके घर में काम करने वाली एक नौकरानी रहती है अत्ती, उसके प्रति भी उसके मन में क्या रहता है, वासना या काम की भावना उसके मन में उत्पन्न होती है, जो कि हार्मोनल चेंजेस के कारण बिल्कुल ही स्वाभाविक है, जो क्योंकि किशोरावस्था में लड़कों और लड़कियों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो यह मनोवैज्ञानिक रूप से फ्रायड का भी यह मानना है। शेखर की सर्वाधिक अंतरंगता किशोरावस्था में अपनी मौसेरी बहन शशि से होती है। तो शशि इसकी नायिका है, तो उसकी मौसेरी बहन रहती है, उसकी मौसी की लड़की रहती है, उसके प्रति उनके दोनों के संबंध बहुत ही मधुर होते हैं, अंतरंग होते हैं किशोरावस्था में। शशि का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध रामेश्वर से हो जाता है। यह सब पात्रों को भी आपको ध्यान में रखना है। शशि का विवाह किससे हो जाता है, शशि रामेश्वर से शादी करना नहीं चाहती, संभवतः वह शेखर से प्यार करती है, लेकिन रामेश्वर से उसकी शादी हो जाती है। रामेश्वर शशि के चरित्र पर संदेह करता है और उसे त्याग देता है, तब वह शेखर के साथ रहने लगती है। शशि एवं शेखर के आत्मीय एवं अंतरंग क्षणों का सुंदर चित्रण शेखर एक जीवनी में किया गया है। कुछ जो संबंध होते हैं भारतीय समाज में वर्जित होते हैं, जैसे चाहे वो बोली बहन हो चाहे जो भी हो, बहन और भाई का संबंध हमारे भारतीय समाज में वर्जित होता है सेक्सुअल दृष्टिकोण से। तो इसीलिए लेकिन रामेश्वर को यह डाउट होता है कि शशि का अफेयर किसके साथ है, शेखर के साथ है, इसलिए वह अपनी पत्नी शशि को छोड़ देता है रामेश्वर। लेकिन शशि और शेखर के जो आत्मीय क्षण है, जो अंतरंग क्षण है, उनका सुंदर वर्णन शेखर एक जीवनी में किया गया है। शेखर के पिता में अधिकार भाव तीव्रतम रूप में था, बहुत अथॉरिटेटिव थे, अधिकार बहुत ज्यादा रखते थे घर में, डिक्टेटर टाइप के थे। उसकी माँ अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी और उदार भी नहीं थी, मतलब शेखर के दोनों माँ बाप अलग अलग प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रस्त थे। जैसे शेखर के डैडी डिक्टेटर टाइप के थे और उसकी माँ क्या थी, उसका स्वभाव बहुत कटु था, उदार नहीं थी, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। उसके माता पिता की प्रकृति एकदम भिन्न थी तथा उनमें मन प्राय मनमुटाव रहता था, इसका प्रभाव भी उसके जीवन पर पड़ा। तो चाहे शिशु हो, चाहे बालक हो, चाहे किशोर हो, चाहे युवा हो,
यदि माता पिता के संबंध घर में बहुत अच्छे रहते हैं तो बच्चों की परवरिश भी उसी तरह होती है। लेकिन यहाँ पर माता पिता का स्वभाव एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, उनमें प्रायः मनमुटाव होता है और प्रायः लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इसका प्रभाव भी शेखर पर पड़ता है। मतलब यहाँ पर लेखक क्या बताना चाहता है कि किसी किशोर के ऊपर घर के वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था में उठने वाले अनेक प्रश्न शेखर को बेचैन कर रहे थे। मतलब किशोरावस्था में सबसे ज्यादा हमारा अहम हावी रहता है, ईगो बहुत ज्यादा हावी रहता है बच्चों के ऊपर किशोरावस्था में, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आते हैं, सेक्सुअल डिजायर बहुत बढ़ जाते हैं, काम भावना बहुत बढ़ जाता है और वो पीयर प्रेशर के अंतर्गत काम करते हैं। पीयर प्रेशर मतलब दोस्तों का दबाव। तो ये सभी प्रश्न शेखर को बेचैन कर रहे थे। 15 वर्ष की अवस्था में वह मद्रास जैसे बड़े शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा था, जहां उसका संपर्क अपने सहपाठी कुमार से हुआ। वहां पर एक उसको दोस्त मिल जाता है मद्रास में, जहां पर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है। वह कुमार के प्रति अत्यंत आकृष्ट था, उसकी आर्थिक सहायता भी करता था, किंतु जब पिता को यह पता चला तो उन्होंने उसे खर्च भेजना बंद कर दिया। परिणाम था कुमार उससे दूर हटने लगा और उसका उपहास भी करने लगा। किशोरावस्था में प्राय ऐसा होता है, कोई लड़का किसी दूसरे लड़के के बहुत करीब आ जाता है, बहुत अंतरंग मित्र बन जाता है। तो ऐसा ही कुमार उसका करीबी मित्र बन गया था और उन दोनों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध था और वह कुमार की आर्थिक सहायता भी करता था। लेकिन जब उसके पिता को यह बात चली, पता चली कि वह कुमार के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, तब उसके पिता ने उसके उसको पैसा भेजना बंद कर दिया। तो इसका परिणाम क्या हुआ, कुमार जो स्वार्थ व उससे दोस्ती रखता था वह उससे दूर हट गया और उसका मखौल भी उड़ाने लगा, उपहास भी उड़ाने लगा। पैसे वाला है, पैसे की दोस्ती थी। इसे शेखर के मन को बहुत चोट पहुंची, क्योंकि वह बहुत ही भावुक व्यक्ति था, बहुत ही भावुक था कि एक किशोर के रूप में शेखर बहुत ही भावुक था। इस बात से वह आहत हो जाता है। यहीं पर उसका ध्यान अछूतों की समस्या की ओर गया। वह उनके लिए रात्रि पाठशाला का आयोजन भी करता है। तो शेखर जो है समाज के लिए भी कुछ करना चाहता है। जब वह देखता है कि अछूत लोग, अछूतों के जो बच्चे हैं या फिर जो अछूत लोग हैं पाठशाला में जाकर अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि छुआछूत बहुत ज्यादा थी उस समय, तो वह क्या उनके लिए रात्रि में, दिन भर तो कॉलेज में पढ़ाई करता है स्कूल कॉलेज में, और रात में क्या करता हुआ उनके लिए रात्रि में पाठशाला का आयोजन करता था, नाइट स्कूल लगाता था। शेखर जब इंटर में पढ़ रहा था, इंटर मतलब 11वीं 12वीं, तभी उसकी भेंट हाई स्कूल में पढ़ने वाली शारदा से हुई। तो उस समय उसकी भेंट हुई शारदा नाम की लड़की से। शारदा शेखर से प्यार तो करती है पर माँ के अनुशासन से डरती है। तो शारदा नाम की जो लड़की है वह शेखर से प्यार करती है, लेकिन इसके बाद भी उसकी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है तो वह उससे डरती है। कुल मिलाकर शेखर की जिंदगी में जितनी भी लड़कियां आई उनके प्रति वह आसक्ति का अनुभव करता है, काम वासना का अनुभव करता है। शेखर एक ऐसा पात्र है। एक दिन उसने शारदा की आंखें दोनों आंखों से भींच ली और उसके केशों में अपना मुंह छिपा लिया। तो एक दिन जब शारदा उससे मिलने आई थी तो वह पीछे से जाता है और उसकी दोनों आंखों को बंद कर देता है और उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लेता है, उसकी खुशबू को महसूस करता है उसके बालों की। शारदा के प्रति प्रेमाभिभूत शेखर ने उसकी दोनों कलाइयां पकड़ ली, किंतु शारदा ने कड़े स्वर में कहा। कुल मिलाकर वह शारदा को प्रपोज करना चाहता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है, उसकी कलाइयों को पकड़ लेता है, वो कहना चाहता है आई लव यू। तो लेकिन शारदा ने कड़े स्वर में कहा, क्योंकि उस समय हमारा समाज पारंपरिक समाज था तो लड़की एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी, भले ही वह उसे प्यार करती थी, लेकिन क्या बोलती वह, मेरा हाथ छोड़ दो, और फिर रोती हुई यह कहकर चली गई, मुझे खेद है कि मैंने कभी तुमसे बात भी की। तो शारदा को वास्तव में लगता है कि वह उसे छेड़ रहा है, उसके साथ कुछ गलत करना चाह रहा है, तो इसलिए वह लड़की नाराज हो गई। वास्तव में वह अपने प्यार का इजहार करना चाह रहा था, लेकिन शारदा को लगा कि वह कुछ गलत करना चाह रहा है, तो वहां से चली जाती है। शेखर ने बाद में रोज की तरह पार्क में उसकी प्रतीक्षा की, किंतु वह नहीं आई और शेखर मद्रास से वापस चला आया। तो शेखर और शारदा रोज पार्क में मिलते थे, तो वह रोज की तरह पार्क में जाकर शारदा की प्रतीक्षा करता है, किंतु वह उससे मिलने नहीं आती है क्योंकि उसे नाराज रहती है, और शेखर मद्रास से वापस चला जाता है। यहां तक पहला भाग था शेखर एक जीवनी का। अब शेखर एक जीवनी का भाग दो, इसका प्रारंभ शेखर की रेल यात्रा से होता है। वह मद्रास छोड़कर लाहौर जा रहा है, जहां उसे कॉलेज में बीए में प्रवेश लेना है। तो वहां बीए करना चाह रहा है तो लाहौर जा रहा है उच्चतर कक्षाओं में पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज के लिए। वहां मौसी विद्यावती है, लाहौर में कौन रहती है, मौसी विद्यावती है, और उसी की बेटी कौन है, शशि है। कॉलेज में वह अनेक अच्छे बुरे लोगों के संपर्क में आया और उसे अनेक अनुभव भी प्राप्त हुए। अब कॉलेज में कई तरह के स्टूडेंट होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ खराब होते हैं, तो उससे उसे नए नए अनुभव मिलते हैं। अपने अनुभवों को लिपिबद्ध करना भी उसने यहीं से सीखा, मतलब अपने अनुभवों पर कागज में शब्दों के रूप में उकेरना, अपने अनुभवों को शब्द प्रदान करना या उन्हें लिखना यहीं पर उसने सीखा, मतलब एक राइटर भी बन गया।
वह गद्य पद्य कथा निबंध सब कुछ लिख रहा था। मतलब वह जीनियस भी था, पढ़ाई में भी अच्छा था और लेखक भी अच्छा था। लिखकर उसे संतोष मिलता था, एक पूरी अलमारी उसके लेखन से भर गई। तो एक राइटर भी था, होशियार भी था और विद्रोही भी था, क्रांतिकारी भी था। शशि के पिता की मौत पर वह उनके घर जाकर सांत्वना देता रहा। जब उसे पता चला कि शशि के पिता की मृत्यु हो गई तो उसके घर में जाकर उसे सांत्वना देता रहा। उसका मन कॉलेज जाने का ना था, तब शशि ने ही उसे कर्तव्य बोध कराते हुए कॉलेज भेजा। तो वह कॉलेज जाने का उसका मन नहीं हो रहा था, क्योंकि शशि के पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके प्रति सहानुभूति रखता था। लेकिन शशि ने उसे प्रेरित किया कि नहीं, तुमको पढ़ना चाहिए, तुम कॉलेज जाओ। उन्हें दिनों लाहौर में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें उसने स्वयं सेवक की तरह भाग लिया। क्योंकि उस समय आजादी के पहले की बात है, तो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसमें कांग्रेस के एक स्वयं सेवक वॉलंटियर के रूप में उसने भाग लिया। वहां एक सीआईडी वाले अधिकारी से कुछ उसका विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गई और उसने उसे जेल में डलवा दिया। जेल में शशि अपने बड़े भाई के साथ उससे मिलने आई और वह शशि की ओर बहुत ज्यादा आकृष्ट होता गया। मतलब इसके जीवन में जितनी भी लड़कियां आती हैं, शशि तो इसकी नायिका ही है। शशि और शेखर, शेखर इसका नायक है इस उपन्यास का, और शशि उसकी नायिका है। वो उसकी तरह आकृष्ट होता गया, आकर्षित होता गया। जब उसे जेल में बंद कर दिया गया तो उसकी मुलाकात होती है एक क्रांतिकारी बाबा मदन सिंह से। क्रांतिकारी बाबा मदन सिंह से उसकी मुलाकात होती है जेल में, और वह उनके क्रांतिकारी विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। जेल में ही शशि का पत्र उसे मिलता है, जिसके माध्यम से उसे पता चलता है कि शशि वास्तव में विवाह नहीं करना चाहती, लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी विवाह विवाह किससे हो रहा था? उसके उसके पति से हो रहा था। उसका पति का नाम था यहाँ पर रामेश्वर। रामेश्वर के साथ उसका विवाह हो रहा था। शेखर के विरुद्ध कोई गवाह नहीं मिला, वो जेल में बंद था, अतः उसे मुक्त कर दिया गया, जेल से छोड़ दिया गया। जेल से छूटने पर उसका मन तो शशि के घर जाने को कर रहा था, पर पैर नहीं पड़ रहे थे। जब जेल से वो आजाद हो गया तो वह जाना चाह रहा था शशि के घर, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी भटकता हुआ वह शशि के घर पहुंच गया, जहां पर जो शशि का जो पति है रामेश्वर, उसने उसका ठंडा स्वागत किया। मतलब उसको पसंद नहीं आया कि मेरे घर क्यों आ गया है, क्योंकि वह दोनों को पसंद नहीं करता था उनके संबंधों को। उसे शशि एवं शेखर के संबंध पर संदेह था। उसे यह संदेह था कि शशि और शेखर का अफेयर है, प्रेम संबंध है। तो शेखर वहां से चला गया। वह लाहौर में ग्वाल मंडी में मकान लेकर रहने लगा, और शशि उसे बार बार कहती रही कि तुम लिखो और लिखो, एक लेखक बनो। लेकिन शेखर की आर्थिक स्थिति खराब थी, क्योंकि पिता ने पैसा देना बंद कर दिया था, और साथ ही वह लेखक तो अच्छा था, कवि भी अच्छा था, लेकिन कोई भी प्रकाशक उसके किताब को छापने को तैयार नहीं था। इसी बीच क्या होता है, शेखर की माँ का देहांत हो जाता है। उसको सूचना मिलती है कि उसकी माता का देहांत हो गया, लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में भी उसके पास कोई पैसा नहीं होता और इसलिए वह घर नहीं जा सकता, क्योंकि पैसा नहीं था। तो उसके बाद उसके पिता उससे मिलने आते हैं, और शेखर अपने पिता को बताता है कि वह साहित्य के माध्यम से कथा कहानी लिखकर, गीत गजल लिखकर वह जीवन यापन करना चाहता है। पर पिता उससे सहमत नहीं थे। पिता बोले कि कोई कहानी कविता लिखकर कोई जीवन यापन कर सकता है क्या? तुमको कोई काम धंधा करना चाहिए। उसने पिता को यह भी बताया कि वह क्रांतिकारी बनना चाहता है, पर उन्हें यह भी अच्छा ना लगा। प्रकाशक ने उसकी पुस्तक लौटा दी थी। तो उस समय आजादी की जो लड़ाई थी, स्वतंत्रता संघर्ष था, चरम स्थिति में थी उस समय। तो वह अपने पिता को कहता है कि वह स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेना चाहता है, वह क्रांतिकारी बनना चाहता है। लेकिन उसके पिता को भी यह मंजूर नहीं होता। तो वह उसके पिताजी भी नाराज हो जाते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। और इस बीच वह अपने प्रकाशक को कुछ किताब भेजा था उसको छापने के लिए, उसको भी लौटा देते हैं। कुल मिलाकर उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। हताश होकर वह शशि के पास गया और उसे शशि से सच्चा स्नेह और सांत्वना मिली। तो वह शशि के घर जाता रहा। एक दिन क्या हुआ कि शशि शेखर के घर आई थी और उसके घर रात में ही रुक गई, क्योंकि रात में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तो वह वापस अपने पति के घर नहीं गई, और सुबह जब वह पति के घर गई तो पति ने क्या उसे घर से निकाल दिया। वो बोला कि कलंकनी है, तुम्हारा शेखर के साथ अवैध संबंध है, तुम रात भर उसके यहाँ रुक कर आई। तो शेखर सुबह क्या किया, शशि के पति रामेश्वर को वास्तविकता बताने के लिए उसके घर गया, किंतु रामेश्वर ने उसका अपमान करते हुए उसे थप्पड़ मार दिया। उनकी लड़ाई हो गई। शशि भी वहां आ गई थी। शशि देखी कि वह उसका थप्पड़ मार दिया, उसने शेखर को वहां से जाने के लिए कह दिया कि शेखर ये हमारा आपसी मामला है, तुम अपने घर चले जाओ। किंतु रामेश्वर और उसके घर वालों ने शशि को भीतर घुसने नहीं दिया, अतः वह लड़खड़ाए कदमों से शेखर के पीछे पीछे चली आई। तो जो शशि है उसको उसके ससुराल वालों ने, उसके पति ने घर से बाहर निकाल दिया। तो धीरे धीरे पीछे पीछे वह शेखर के घर चली आई। तो विद्यावती चाची जो उनकी चाची विद्यावती जो मौसी थी शशि की माँ,
उसने उन शशि को ऊंच नीच समझाया कि यह ठीक नहीं है कि तुम अपने पति को घर को छोड़कर तुम इसके साथ रहोगे, शेखर के साथ। किंतु शशि ने उनसे कहा कि मैं जैसे मेरे ससुराल वालों ने मुझे मरा समझ लिया, वैसे आप भी मुझे मरा हुआ समझ लिया। और उस समय क्या है, जब वो वापस जाती है तो शशि का जो पति है रामेश्वर, तो उसने उसके पेट में जोरदार लात से मार के निकाल दिया था। तो उससे उसके पेट में क्या अंदरूनी चोट लगी थी और उसका गुर्दा फट गया था, मतलब उसके पेट में बहुत अंदरूनी चोट लगी थी और वह बहुत ज्यादा घायल थी, जख्म हो गया था। अब शशि उसके साथ रहने लगी, शेखर के साथ। शशि के आग्रह पर शेखर पुनः लेखन कार्य में जुट गया, लेकिन शेखर के साथ शशि का रहना पड़ोसियों को अकर रहा था। अड़ोस पड़ोस में रहने वाले बोलते, देखो ये कैसे एक लड़की को लाकर रखा हुआ है जो इसकी पत्नी भी नहीं है। उन दोनों के संबंधों पर हमेशा सभी ने संदेह किया, शक की नजर से देखा। प्रकाशकों ने भी शेखर को बुरी तरह ठगा। तो उसने एक किताब लिखा था हमारा समाज, उसको उन्होंने 60 रुपए में यह बोलकर खरीद लिया कि इसमें लेखक के रूप में शेखर का नाम नहीं बल्कि किसी और का नाम लिखा जाए। इसी बीच उसके विद्याभूषण नाम के क्रांतिकारी व्यक्ति से परिचय होती है और जिसने उसे ऑफर दिया कि यदि तुम क्रांतिकारी साहित्य लिखोगे तो तुम्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह शशि को साथ लेकर उस क्रांतिकारी साथी के यहाँ 2 कमरों के मकान में रहने लगा, विद्याभूषण के यहाँ। यहीं उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी उपन्यास लिखा जिसके छपने पर उसका गिरफ्तार होना तय है। मतलब क्रांतिकारी विषय पर उसने एक ऐसा किताब लिखा जिस प्रकाशित होते ही उसको पता था कि मुझे सरकार गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए वह 250 रुपये लिया और उस क्रांतिकारी मित्र से 250 रुपये लेकर वह दिल्ली चला आया। मतलब उस जगह को उसने छोड़ दिया और शशि को साथ लेकर वह कहां पर रहने लगा, यमुना नदी के किनारे एक मकान लेकर रहने लगा। शशि का स्वास्थ्य गिरने लगा था क्योंकि उसको जो चोट पहुंची थी रामेश्वर ने जो उसके पेट में लात मारी थी जिससे उसका गुर्दा फट गया था, तो वह बीमार रहने लगी थी, उसका स्वास्थ्य गिरने लगा था और उसके जीवन के कुछ ही दिन बचे थे। तब उसने एक पेपर पर लिखा था, इस पत्र में अपने प्यार की बात नहीं करूंगी, वास्तव में वह भी शेखर से प्यार करती है। जो चला गया है उसका प्यार केवल वेदना है और वेदना को चुप रहना चाहिए। केवल तुम्हारे प्यार की बात करूंगी, मेरी कामना है कि तुम जीवन में एक बहुत बड़े लेखक बनो। मतलब वास्तव में उसके जीवन में जो भी घटित हुआ वह केवल एक वेदना है, तो अपने दुख और वेदना की बात करना नहीं चाहती बल्कि केवल शेखर के प्यार के बारे में बात करना चाहती है। और वह चाहती है कि मेरी तमन्ना है, मेरी आशा और उम्मीद है कि अब मेरी कामना है कि तुम जीवन में एक बहुत बड़े लेखक बनो। तो प्रेमिका की तरह वह उसे चाहती है कि उसका भविष्य उज्ज्वल हो। शशि की मृत्यु हो गई और शेखर दिल्ली को अंतिम प्रणाम कर शशि की स्मृतियों को, उससे जुड़ी हुई यादों को साथ लेकर अपने क्रांतिकारी साथियों के पास लाहौर लौट आता है। तो अज्ञेय जी ने इस उपन्यास में अपने समय की राजनीतिक हलचलों, मतलब आजादी के पहले जो स्वतंत्रता संघर्ष था 1940 के आसपास, उसको और सामाजिक सच्चाइयों की पृष्ठभूमि को रखते हुए स्वतंत्रता एवं क्रांति की अवधारणाओं पर विचार किया है। तो इसमें उसमें की जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां थी, आर्थिक परिस्थितियां थी, उन सभी का इस उपन्यास में उल्लेख हुआ है। यही नहीं अपितु नर नारी से जुड़ी काम वर्जनाओं का संकेत भी उपन्यास में विद्यमान है। नर नारी से जुड़ी काम वर्जनाएं, मतलब हमारे समाज में कुछ संबंध ऐसे होते हैं, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनके बीच काम संबंधों को, वासनात्मक संबंधों को वर्जित माना जाता है। कि जैसे भाई बहन है तो इनके बीच काम संबंधों को वर्जित माना जाता है, इसी प्रकार नर और नारी से जुड़ी जो काम वर्जनाएं हैं, जैसे बार बार प्रश्न पूछता है कि बच्चा कैसे पैदा होता है तो उसको बताया नहीं जाता, तो इसका संकेत भी उपन्यास में विद्यमान है। स्वाधीनता पूर्व की परिस्थितियों का भी यत्किंचित परिचय कराने में भी लेखक सफल रहा है। स्वाधीनता से पहले, आजादी से, भारत की आजादी से पहले हमारे देश की स्थिति कैसी थी, उन परिस्थितियों का भी परिचय कराने में लेखक कुछ हद तक सफल रहा है। शेखर एक जीवनी एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, साइकोलॉजिकल उपन्यास है, जिसमें फ्रायड, एडलर, यूंग जैसे मनोवैज्ञानिकों की विचारधारा को प्रश्रय मिला है। मतलब वास्तव में जो शेखर एक जीवनी है वह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जिसमें फ्रायड, एडलर और यूंग के जो मनोविश्लेषण से संबंधित जो सिद्धांत हैं उसका बहुत ही गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। यद्यपि इस उपन्यास का कथानक व्यवस्थित नहीं है क्योंकि पूर्वदीप्ति फ्लैशबैक पद्धति से बीते हुए जीवन को स्मरण करता हुआ शेखर चेतना प्रवाह में बहता हुआ अपने जीवन के अनेक प्रसंगों, क्षणों, अनुभूतियों को व्यक्त करता है। तो वास्तव में यह उपन्यास पश्चिमी शैली में लिखा गया उपन्यास है जिसमें फ्लैशबैक पद्धति, फ्लैशबैक मतलब आपने देखा होगा कि जैसे कई बार आप फिल्मों में देखते हैं कि हीरो अपने बीते हुए जिंदगी को याद करता है, जैसे हीरो को फांसी हो गई है, फांसी की सजा मिल गई है, फांसी होने वाली है, तो अपनी पुरानी जिंदगी को पूरा याद करता है, फ्लैशबैक, पूछे पास्ट में चला जाता है।
उसी तरह की पद्धति पूर्व दीप्ति पद्धति अथवा फ्लैशबैक पद्धति का इसमें उपयोग किया गया है। दूसरा है चेतना प्रवाह। चेतना प्रवाह को अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस। ये जो चेतना प्रवाह है इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस। मतलब इसमें उसके जीवन के बारे में इस तरह से नैरेट करता है, जो लेखक है किसी करेक्टर किसी पात्र के जीवन के बारे जीवन की कहानी को इस तरह से बताता है हमको कि हम उसके मन के अंदर में प्रवेश कर जाते हैं। वो जो पात्र है शेखर, उसके मन में किस प्रकार की भावनाएं जन्म लेती है, किस प्रकार की भावनाओं में वो बहता है, तो उसको पढ़ने वाला जो पाठक है पूरी तरह से महसूस करता है। इसे बोला जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस। तो इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस विधि और फ्लैश ब्लैक जो टेक्निक का इन्होंने यूज किया है इसमें, इसके आधार पर हमको शेखर के पूरे जीवन का चित्र हमें दिखाई देता है फिल्मों की तरह। यह उपन्यास दो भागों उत्थान और उत्कर्ष में विभक्त है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, और प्रत्येक भाग को पुनः चार खंडों में बांटा गया है। प्रथम भाग के चार खंड हैं उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष तथा पुरुष और परिस्थिति। दूसरे भाग को भी चार चार भागों में बांटा गया है और इसके नाम है पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा जिज्ञासा, शशि और शेखर और धागे रस्सियां गुंजर। तो ये नामकरण भी मनोवैज्ञानिक है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो भली भांति समझ पाएंगे। उपन्यास का आरंभ ईश्वर को लेकर प्रश्नाकुलता से हुआ है तथा दूसरे भाग का समापन उलझन और द्वंद में हुआ है। मतलब जो पहला भाग है उसमें ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया है, ईश्वर के बारे में जिज्ञासा व्यक्त की गई है, और दूसरे भाग में उलझन और मन के अंतर द्वंद को व्यक्त किया गया है। उपन्यास का प्रारंभ फांसी से हुआ है, शेखर को फांसी दी जाने वाली है और उस समय वह शशि को याद करता है, तत्पश्चात उसके बचपन का दृश्य उभरता है। इसी प्रकार स्मृतियों का अव्यवस्थित क्रम चल निकलता है, बचपन से लेकर किशोरावस्था तक के प्रसंग एक एक कर उसे स्मरण आते हैं, क्योंकि अगले दिन उसको फांसी दी जाने वाली है तो अपने जीवन से जुड़े हुए सभी लोगों को याद करता है, बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। लेकिन यह सभी जो घटनाएं हैं वह व्यवस्थित क्रम में याद नहीं कर पाता, रैंडमली उन्हें याद करता है, यादृच्छिक रूप से उन्हें याद करता है। तो अज्ञेय का जो शिल्प है, जो लेखन शैली है, अत्यंत बेजोड़ है। विशेष रूप से उनके प्रतीक और बिंब बहुत ही बेहतरीन प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग किया है। यह प्रतीक और बिंब क्या होते हैं यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे दो एपिसोड हैं, प्रतीक क्या है और बिंब क्या है, उसे जाकर आप जरूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उपन्यास का अंत भी प्रतीकात्मक भाषा में हुआ है। प्रणाम यमुना, प्रणाम पूर्व दिशा, प्रणाम वैशाख के फूले हुए पलाश और बबूल। सोचता था कि यदि ऐसा ना होकर वैसा होता और वैसा होता तो, पर आज सोचता हूं कि नहीं, लगभग मांग रहा हूं कि यदि फिर कुछ हो तो ऐसा ही हो। अंत में वह अपने जीवन से जुड़ी हुई सभी चीजों को, अपने प्रकृति को प्रणाम करता है। आसपास जो प्रकृति है, जो भी उसकी जिंदगी में जुड़ा हुआ है, यमुना, पूर्व दिशा, जो भी चीजें, उसके बाद यदि वो भगवान से सोचता है कि भगवान यदि ऐसा नहीं होता वैसा होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन बोलता है नहीं, मैं तो यहाँ पर आकर भिखारी जैसे मांग रहा हूँ, जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसा ही होना था। अज्ञेय भाषा के धनी है, अज्ञेय की भाषा बहुत ही परिनिष्ठित और बहुत ही बेहतरीन भाषा है उनकी। उनके पास सक्षम भाषा है जो बिंबों एवं प्रतीकों से युक्त होकर कहीं कहीं तो काव्य का आनंद देने लगती है। मतलब उनके जब हम गद्य को पढ़ते हैं तब भी हमें पद्य का एहसास होता है, इतनी बेहतरीन उन्होंने प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग किया है। इसके कारण उनके उपन्यास का शिल्प जैसा प्रभावशाली एवं व्यंजक हो गया है। इस प्रकार के कुछ वाक्य दृष्ट हुए, मतलब उनको पढ़ने से हमको पद्य की अनुभूति होती है, तो ऐसे कुछ वाक्य यहाँ पर हैं। दुख और लांछना की खाद में यह जो दोहरे वात्सल्य का अंकुर, मतलब दुख और लांछना की खाद में क्या होता है, ये जो वात्सल्य का अंकुर फूटता है, प्रेम का अंकुर फूटता है, स्नेह का, पहले निरश्रु पर पिंजर को हिला देने वाले रोदन के साथ। पिंजर मतलब शरीर और निरश्रु मतलब बिना आंसुओं के, बिना आंसुओं के जो जो रोता है कोई व्यक्ति तो वह पूरे जिस्म को हिला देता है। तो इस प्रकार की कुछ भावनाएं उन्होंने व्यक्त किया है। अज्ञेय की चरित्र चित्रण शैली भी उल्लेखनीय है। पात्रों के चरित्रांकन में वे कल्पना का नहीं, तथ्यों का सहारा लेते हुए उनकी चारित्र की विशेषताओं को उजागर करते हैं। तो उनके पात्र केवल काल्पनिक पात्र नहीं है बल्कि तथ्यों पर आधारित है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो पात्र हैं उनके जो पात्र हैं वे काल्पनिक पात्र नहीं है बल्कि हमारे जिंदगी के जीते जागते पुतले हैं, जीवंत पुतले हैं, जीवंत व्यक्ति हैं। अज्ञेय ने मृत्यु, अहिंसा, आजादी, प्रेम इत्यादि विषयों पर भी गंभीर विचार इस उपन्यास में व्यक्त किए हैं। पूरे उपन्यास में शेखर के व्यक्तित्व की गुत्थियों को सुलझाया गया है। उसका जो व्यक्तित्व है बहुत ही जटिल है, मनोविश्लेषण दृष्टि से जो शेखर का व्यक्तित्व है बहुत ही जटिल है, वह एक जटिल पात्र है। उसमें कौन कौन सी भावनाएं हैं, अहम भाव है, ईगो है, उसमें भय है, उसमें सेक्स है,
तो इसको उपन्यास की विषय वस्तु में इस प्रकार पिरो दिया गया है, इस प्रकार मिला दिया गया है कि वे अलग से जोड़े हुए प्रतीत नहीं होते, बल्कि ऐसा लगता है कि ये उसके जिंदगी के अभिन्न अंग हैं। परंपरागत यौन वर्जनाओं को अज्ञेय यहाँ चुनौती देते हुए प्रतीत होते हैं। परंपरागत यौन वर्जनाएं मतलब जिन दो लोगों के बीच यौन संबंध वर्जित है। भारतीय परंपरा में दो ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनके बीच यौन संबंधों को कभी भी अनुमति नहीं दी जा सकती, इसे कहते हैं यौन वर्जनाएं। इसको भी यहाँ अज्ञेय चुनौती देते हुए प्रतीत होते हैं। शेखर एक जीवनी में अज्ञेय जी ने शेखर को एक ईमानदार जिज्ञासु व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। उसमें अहम भाव प्रबलता से बहुत ही ज्यादा इगोइस्ट पात्र है, उसमें ईगो बहुत ज्यादा है शेखर में, और उसका व्यक्तित्व तो काम भावना से परिचालित है। उसमें सेक्सुअल डिजायर भी बहुत ज्यादा है, जो भी लड़कियां उसके संपर्क में आती हैं वो उनके साथ संबंध स्थापित करना चाहता है। शेखर एक जीवनी का कथानक स्मृति चित्रों की एल्बम है। तो शेखर एक जीवनी क्या है, ऐसा लगता है कि बहुत सारे चित्रों को पिरो दिया गया है, एक एल्बम बना दिया गया है। फांसी की सजा पाया हुआ नायक शेखर अपने विगत जीवन पर विहंगम दृष्टि डालकर उसकी घटनाओं को एक एक करके स्मृति के माध्यम से प्रस्तुत करता है। मतलब शेखर ये बताते जाते हैं कि उसकी जिंदगी में कौन कौन सी घटनाएं हुई और वह हमें चित्र के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार इसमें पूर्वदित्ति पद्धति मतलब फ्लैशबैक सिस्टम, पास्ट में जाकर घटनाओं को याद करना, इसको अपनाया गया है। अज्ञेय के उपन्यासों में कथानक में वर्णनात्मकता मतलब नरेट करना, किसी चीजों का वर्णन करना, प्रत्यावलोकन, उनको समझना बूझना, चेतना प्रवाह, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस एवं पत्र शैलियों को अपनाया गया है। मतलब विभिन्न प्रकार के टेक्निक्स हैं, दृष्टा की भांति देखना चीजों को। पात्रों के चरित्रांकन के लिए अज्ञेय जी ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों शैलियों का आश्रय लिया है। या तो प्रत्यक्ष तौर पर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए हैं, चरित्र चित्रण कर दिया है, या फिर परोक्ष किसी और के माध्यम से भी उन्होंने चरित्रांकन किया है। उनके जो संवाद हैं वे पात्रों के अनुकूल हैं, नाटकीय हैं, और चरित्र के जो उनके मना स्थिति है, चरित्र के विभिन्न कैरेक्टर्स हैं, उनके जो व्यक्तित्व हैं, उनकी जो मना स्थिति है, उसके बारे में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने वाले हैं एवं संक्षिप्त हैं, छोटे हैं। अज्ञेय जी के उपन्यासों में कहीं कहीं लालित्यपूर्ण काव्यमय भाषा भी प्रयुक्त हुई है। उन्होंने कहीं कहीं पर गद्य को भी पद्य की तरह, कविता की तरह लिखा है, बहुत ही सुंदर भाषा में लिखा है। उसमें अलंकारों और प्रतीकों का भी प्रयोग हुआ है। सामान्यतः जो अज्ञेय हैं वे सीधी साधी सरल भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसमें संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी के जो प्रचलन में जो शब्द हैं वे शब्द दिखाई पड़ जाते हैं, और उसमें कहीं कहीं उन्होंने मुहावरों एवं कहावतों का भी प्रयोग किया है। अज्ञेय की कृतियों में व्यक्तिवादी जीवन दर्शन का समावेश हुआ है। व्यक्तिवादी जीवन दर्शन मतलब जो केवल व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि एक इंडिविजुअल के जो मन की जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इसको ईगो है, इस प्रकार का जीवन दर्शन, स्वयं व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता दिन भर, इस जीवन दर्शन का समावेश हुआ है। उनके उपन्यास मनोवैज्ञानिक कोटि के हिंदी उपन्यासों में अग्रगण्य है। मतलब अज्ञेय जी के जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, तो मनोवैज्ञानिक कोटि के जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं उनमें इनका पोजिशन टॉप में है। शेखर के बारे में अज्ञेय स्वयं कहते हैं कि शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, एक आम आदमी है, हमारे यहाँ सामान्य आदमी है, वह अच्छा आदमी भी नहीं है, लेकिन वह मानवता की संचित अनुभूतियों के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। वह जागरूक है, स्वतंत्र है और ईमानदार है। वह कोई बहुत ही जेंटलमैन नहीं, बहुत ही अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वह ईमानदार है। वह जैसा भी है वैसा ही समाज के सामने आता है, अपने को छुपाने का प्रयास नहीं करता है। वह जागरूक भी है समाज के प्रति, वह स्वतंत्र है और ईमानदार है। तो इस प्रकार उसके व्यक्तित्व में भले ही बहुत सारी कमियां हैं, उसके बावजूद भी उसका व्यक्तित्व निखर कर उपन्यास में सामने आता है। तो उपन्यासकार ने मनोविश्लेषणात्मक पद्धति से शेखर के व्यक्तित्व को देखा परखा है। उन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर का सृजन किया है, एक ऐसे चरित्र का निर्माण किया है शेखर के रूप में, जो हिंदी साहित्य में अमर हो गया है। प्रतीकात्मक भाषा के प्रयोग ने भी इस उपन्यास के शिल्प को विशिष्टता प्रदान की है, यानी संकोच कहा जा सकता है। पूरे उपन्यास में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग किया है, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है, जिसके कारण इस उपन्यास का जो शिल्प है वह बेजोड़ है और यह उसे विशिष्टता प्रदान करता है, यह निसंकोच कहा जा सकता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने समझ लिया होगा कि शेखर एक जीवनी एक मनोविश्लेषण शास्त्र के अनुसार लिखा गया उपन्यास है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, और इसका कंटेंट क्या है, विषय वस्तु क्या है, और इसका शिल्प कैसा है। इसमें फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग किया गया है, जिसे हम पूर्वदित्ति पद्धति कहते हैं, और इसमें चेतना प्रवाह विधि, जिसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस कहते हैं, इसका भी प्रभाव है, इसके रूप में इसे लिखा गया है। और इसमें जो तीन बहुत बड़े मनोविश्लेषण शास्त्री हुए हैं, फ्रायड, एडलर और यूंग, इन तीनों के
की जो विचारधारा है उसका स्पष्ट प्रभाव यहाँ पर परिलक्षित होता है। तो इस प्रकार मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोगों ने इसे भलीभांति समझ लिया होगा। यहां तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।